हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विश्वता। आज हम बात करेंगे ओबीसी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसे हम मल्टीपल प्रेगनेंसी या मल्टी फीटल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, खास करके जो ट्विंस प्रेगनेंसी है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसकी टीलॉजी, उसकी इंसिडेंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए हम वीडियो लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मल्टीपल प्रेगनेंसी के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन्स व्हेन द वुमन कैरी मोर देन वन फीटस एट अ टाइम। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब ये कि जब वुमेन एक ही टाइम पे एक से अधिक फीटस को कैरी कर रही हैं तो उस कंडीशन को हम मल्टीपल प्रेगनेंसी या मल्टी फीटल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये कोई मदर है जो प्रेगनेंट है और वो एक से अधिक फीटस को कैरी कर रही है, ठीक है, मतलब उसकी जो यूट्रस है उसमें एक से अधिक फीटस है, तो उस कंडीशन को मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम मल्टीपल जेस्टेशन भी कह सकते हैं और मल्टी फीटल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। दिस कैन बी ट्विंस, ट्रिपलेट, क्वाड्रुपलेट और मोर। ये जो ट्विंस प्रेगनेंसी है दो भी हो सकता है, जिसे हम ट्विंस कहते हैं, तीन होगा तो इसे ट्रिपलेट कहेंगे या चार होगा तो इसे क्वाड्रुपलेट कहेंगे, या इससे भी अधिक हो सकता है, ठीक है। ट्विंस प्रेगनेंसी इज़ अ मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिसमें से जो ट्विंस है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादातर जो होता है वो ट्विंस ही देखने को मिलता है। ट्रिपलेट और क्वाड्रुपलेट जो होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ट्विंस होते हैं वो ज़्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसी में, उसकी जो वैरायटी है ट्विंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में ही जानने वाले हैं। एंड अगर ट्विंस के डेफिनेशन की बात करें तो साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ द टू फीटस इन अ यूट्रस। अगर यूट्रस में एक साथ दो फीटस का डेवलपमेंट हो तो उसे हम ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम फ्रेटरनल ट्विंस, बायएनवलर ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जानते हैं। इसकी ये अलग अलग नाम क्यों हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी जो होता है ट्विंस प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन ट्विंस प्रेगनेंसी है, डेवलप ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा बाय टू स्पर्म ड्यूरिंग अ सिंगल ओवेरियन साइकिल। एक सिंगल ओवेरियन साइकिल में दो ओवा का दो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन होना ही डायजाइगोटिक ट्विंस कहलाता है। और इसमें जो जीन्स होते हैं वो 50% शेयर होते हैं और इसके जो ब्लड के टाइप्स होते हैं, सेक्स होते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिबलिंग होते हैं, ठीक है। और इसे बायोलर इसलिए बोलते हैं कि दो ओवा से होता है, नॉन आइडेंटिकल मतलब इसमें जो सेक्स होगी वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, आइडेंटिकल नहीं होता है, मतलब जो सेक्स होगी वो सेम सेक्स भी हो सकता है और डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस या यूनिओवुलर ट्विंस के नाम से जानते हैं, डेवलप ड्यू टू फर्टिलाइजेशन द सिंगल ओवा बाय द सिंगल स्पर्म। इसमें जो ओवा होता है वो सिंगल स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होता है, लेकिन बाद में चल के इसका क्लीवेज हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग ड्यूरेशन पे इसका क्लीवेज होता है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से भी पढ़ते हैं, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो ट्विंस होगा बेसिकली एक ही ओवा और एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, तो जो ट्विंस होगा वो आइडेंटिकल ट्विंस होगा, मतलब जो सेक्स होगी वो सेम सेक्स का होगा, हर एक चीज़ उसका सेम रहेगा और एक ओवा से फर्टिलाइज हो रहा, तो इसलिए इसे यूनिओवुलर ट्विंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि जो डायजाइगोटिक ट्विंस है उसमें जो
सेक्स होंगे वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ये जो मोनोजाइगोटिक होता है इसमें सेक्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल सेक्स होते हैं, क्योंकि एक ही ओवा और एक ही स्पर्म में उसका फर्टिलाइजेशन होता है और बाद में चल के उनका डिवीजन और क्लीवेज हो जाता है, और अलग अलग टाइम पे अगर अलग अलग होता है तो उसके हिसाब से एमनियोटिक सैक और कोरियोनिक अलग अलग तरीके का बनता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन फर्दर करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होती है उसके कई क्लासिफिकेशन होते हैं, क्योंकि इसका क्लीवेज होता है तो एक कब इसका क्लीवेज हो रहा है तो उसके टाइम के आधार पे इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसे हम देखते हैं टाइम ऑफ क्लीवेज एंड द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब जिस टाइम क्लीवेज होता है उस टाइम पे अलग अलग तरीके की उसकी नेचर्स रहती है। अगर 0 से 72 आर मतलब 3 दिन के अंदर अगर इसका क्लीवेज होता है तो 2 कोरियोन बनेंगे और 2 ही एमनियोन बनते हैं, डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक, ठीक है। लेकिन अगर यही क्लीवेज जो होता है 4 से 8 दिन के बीच में अगर हो रहा है तो जो कोरियोन है वो 1 बनेगा लेकिन जो एमनियोन है वो 2 बनेगा, मतलब मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक, ठीक है। और अगर एक क्लीवेज 9 से 12 दिन के बीच में होता है तो दोनों ही चीज़ें एक एक बनती हैं, मतलब 1 कोरियोन बनेगा और 1 एमनियोन बनेगा, मतलब मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक, ठीक है। लेकिन यही अगर जो क्लीवेज है आफ्टर 30 डे के बाद अगर होता है तो इसमें जो होता है कंजॉइंटेड ट्विंस, जो ट्विंस होंगे एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम कंजॉइंटेड ट्विंस कहते हैं और इसे एक स्पेशल नाम से हम डिनोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सीएमएस, एंड ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या बात किया कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसकी क्लीवेज के आधार पे वो कब विभाजित होती है उसके आधार पे, कब डिवाइड होती है उसके आधार पे जो होता है कोरियोन और एमनियोन का फॉर्मेशन होता है। अगर 3 दिन के अंदर हो गया तो डायएमनियोन एंड डाइकोरियोन, अगर 4 से 8 दिन के बीच में होता है तो मोनोकोरियोनिक एंड डाइएमनियोटिक बनेगा, एंड अगर 9 से 12 दिन का टाइम लेता है तो दोनों ही चीज़ें सिंगल सिंगल बनेंगी, मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक, ठीक है। अगर 13 दिन के बाद बनता है तो ये जो ट्विंस होंगे कहीं ना कहीं किसी किसी पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं, दैट इसे हम सीएमएच ट्विंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ये सीएमएच ट्विंस है या कंजॉइंट ट्विंस है वो कहाँ से किस तरीके से किस बॉडी पार्ट से अटैच रहते हैं और उसे हम किस नाम से जानते हैं। जो ट्विंस है अगर थोरैसिक चेस्ट एरिया से जुड़ा हुआ है तो उसे थोरैकोपैगस कहते हैं। थोरैको का मतलब हमारी थोरैसिक कैविटी एंड जो हमारा पैगस का मतलब होता है जॉइंट, मतलब जो ट्विंस चेस्ट से जुड़े रहते हैं उसे हम थोरैकोपैगस कहते हैं। दूसरा है क्रेनियोपैगस, क्रेनियोपैगस का मतलब जो क्रेनियम से जुड़ा रहेगा सर से जुड़ा रहेगा उसे क्रेनियोपैगस कहेंगे। इश्योपैगस, इश्योपैगस का मतलब जो पैल्विक एरिया है अगर वहाँ से ट्विंस जुड़े हुए हैं तो उसे इश्योपैगस कहते हैं। पायोपैगस का मतलब, पायो का मतलब होता है डॉर्सल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ रहना, तो कह सकते हैं कि जॉइंट इन अ डॉर्सल एस्पेक्ट, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है जिफोफेगस का मतलब, अगर जो ट्विंस हैं वो स्टर्नम या जिफोइड प्रोसेस से जुड़े हुए हैं तो इसे हम जिफोफेगस कहेंगे। रैचीपेगस का मतलब, अगर ट्विंस फ्यूजन एट द बैक लेवल से अगर इनका फ्यूजन हो रखा है तो इसे रैचीपेगस कहते हैं। पायोपेगस एंड रैचीपेगस में डिफरेंस होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओम्फैलोपैगस। ओम्फैलोपैगस का मतलब, अगर जो ट्विंस है वो बेली बटन मतलब बेली बॉटम से अटैच होते हैं, अम्बिलिकस एरिया से अगर अटैच हों तो उसे हम ओम्फैलोपैगस के नाम से जानते हैं। तो ये रही क्लासिफिकेशन एंड टाइप। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसिडेंस रेट की, कि कहाँ पे हाईएस्ट कहाँ पे लोएस्ट पाया जाता है। अगर हाईएस्ट की बात करें तो नाइजीरिया में 1 in 20, मतलब अगर 20 लोगों में से 1 लोग प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें से 1 जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लोवेस्ट कहाँ पे होता है, तो स्टर्न कंट्री में 1 in 200 प्रेगनेंसी, मतलब 200 प्रेगनेंसी अगर कोई होता है तो उसमें से 1 जो प्रेगनेंसी है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी की होगी।
इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1 in 80 रेशियो चलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेलेंस रूल, हेलेंस ने एक रूल्स दिया था जिसे हम हेलेंस रूल्स कहते हैं, 1895 में ये रूल्स दिया गया था, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो ट्विंस होते हैं 1 in 80 प्रेगनेंसी, ट्विंस जो होंगे, अगर कोई 80 प्रेगनेंसी होता है तो उसमें से ट्विंस जो होंगे एक होंगे। और ट्रिपलेट के लिए ये रूल दिया कि जो ट्रिपलेट होंगे 1 in 80 स्क्वायर, मतलब 80 का स्क्वायर मतलब 6400, मतलब 6400 अगर प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसमें से एक जो होगा वो ट्रिपलेट के लिए होगा। और क्वाड्रुप्लेट के लिए ये कहा कि 1 in 80 क्यूब, मतलब 80 का क्यूब मतलब 512,000, मतलब अगर इतना प्रेगनेंसी कोई कंसीव करता है तो उसमें से एक जो प्रेगनेंसी होगी वो क्वाड्रुप्लेट की होगी। इस तरीके से उनका ये फार्मूला चलता आ रहा है जिसे हम हेलेंस रूल्स के नाम से जानते हैं, और इस रूल को उन्होंने 1895 में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजी की कि क्या कारण हो सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के। तो एक्चुअली जो इसका कारण है वो अननोन है, अभी पता नहीं चला है, लेकिन कुछ इसके कारण हो सकते हैं जैसे कि एडवांस एज ऑफ द मदर, मदर का अगर एज जो है एडवांस लेवल पे है तो जो होगा वो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री मतलब फैमिली मेम्बर में अगर कोई ट्विंस या ट्रिपलेट क्वाड्रुप्लेट अगर है किया है तो उनको, अगर ये फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है तो उसमें इंसिडेंस देखने को मिलता है, यह भी एक कारण हो सकता है। एंड ड्रग यूज़ ऑफ द ओवुलेशन, अगर ओवुलेशन के लिए ड्रग यूज कर रही है तो उस टाइम पे भी एक ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकता है। नेक्स्ट जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू करवाते हैं प्रेगनेंसी, अगर ऐसा करते हैं तो उसमें चांसेस होता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रहा बेसिकली इटियोलॉजी और इंसिडेंस के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी में हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि है सुपर फिकंडेशन, सुपर फीटेशन, फीटल पैपी सीएस एक्कम्प्रेशन, फीटल एकार्डिकस या वैनिसिंग ट्विंस जिसे हम ट्विंस रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर फिकंडेशन की। सुपर फिकंडेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू और मोर ओवा फ्रॉम द सेम साइकिल बाई द स्पर्म फ्रॉम द सेपरेटेड एक्ट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, मतलब सुपर फिकंडेशन के कंडीशन में जो साइकिल होता है वो सेम होता है, मतलब सेम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक से अधिक ओवा का फर्टिलाइजेशन होना बाय द सेपरेटेड एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो ए सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ये अलग अलग टाइम पे हुआ है लेकिन जो साइकिल है वो सेम है, और इस बाय द स्पर्म के द्वारा ये जो एक से अधिक ओवा निकल रहा है उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसे हम सुपर फिकंडेशन कहते हैं। तो बेसिकली सुपर फिकंडेशन का मतलब साइकिल सेम है, सेम साइकिल में एक से अधिक ओवा का फर्टिलाइजेशन होना बाय द स्पर्म, ये सुपर फिकंडेशन कहलाते हैं। और ये सुपर फिकंडेशन जो है दो तरीके का होता है, पहला होमोपैटर्नल सुपर फिकंडेशन हो सकता है और दूसरा हेट्रोपैटर्नल सुपर फिकंडेशन हो सकता है। होमोपैटर्नल सुपर फिकंडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू सेपरेटेड ओवा फ्रॉम द सेम फादर लीडिंग टू द पैटर्नल ट्विंस, इसमें जो फादर होता है होमोपैटर्नल सुपर फिकंडेशन में फादर जो होगा वो सेम होगा और दो अलग अलग टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू इसका जो ओवा होगा फर्टिलाइज होगा, इसलिए इसे होमोपैटर्नल सुपर फिकंडेशन कहते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है हेट्रोपैटर्नल सुपर फिकंडेशन, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसमें जो होगा ट्विंस जो इसमें होगा वो हाफ सिबलिंग होगा, क्योंकि इसमें जो मदर होती है वो सेम होती है लेकिन जो फादर होगा वो डिफरेंट फादर हो सकता है, इसलिए इसे हेट्रोपैटर्नल सुपर फिकंडेशन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बात किया कि ये सुपर फिकंडेशन जो है वो दो तरीके का, एक होमोपैटर्नल हो सकता है और एक हेट्रोपैटर्नल हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है सुपर फीटेशन। सुपर फीटेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इज़ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट साइकिल,
जो साइकिल होगा डिफरेंट होगा। सुपर फी कंडीशन में हमने क्या कहा था कि साइकिल जो है सेम है, लेकिन सुपर फीटेशन में साइकिल अलग अलग रहेगा। तो इसमें सिंपल भाषा में अगर हम सुपर फीटेशन का मतलब समझे तो गेटिंग प्रेग्नेंट वाइल यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, मतलब प्रेगनेंसी पहले से ही है फिर भी नेक्स्ट साइकिल में प्रेग्नेंट हो जाना, ये सुपर फीटेशन कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली फोर्थ साइकिल के दौरान जो हमारी ओवरी होती है वो एग को रिलीज करती है एंड आफ्टर इंटरकोर्स द एग गेट फर्टिलाइज एंड बिकम एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन इंटरकोर्स के बाद यह जो एग निकला हुआ है वो फर्टिलाइज होता है और जाकर एम्ब्रियो बन जाता है, और ये एम्ब्रियो यूटराइन वॉल में इम्प्लांट हो जाती है। जो एम्ब्रियो बना है वो यूटराइन वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाती है और ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट साइकिल जब आता है, नेक्स्ट साइकिल के दौरान भी ये सेम प्रोसेस होता है और एक नया एम्ब्रियो आकर के इम्प्लांट हो जाता है। एक्चुअली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन आवर बॉडी दैट प्रिवेंट द न्यू प्रेगनेंसी इन आवर बॉडी इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रेगनेंट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट रेयरली केसेस में सुपर फिटेशन का जो कंडीशन है वो बहुत रेयर कंडीशन है। तो ये बेसिकली कभी कभी हो जाता है कि रेयर है, ठीक है। जब ऑलरेडी कोई प्रेग्नेंट रहता है तो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट साइकिल में कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये रेयर है तो समटाइम ये हो जाता है, ठीक है। सो आई होप सुपर फी कंडीशन एंड सुपर फीटेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है और आपको इसको अच्छे से समझ भी लिए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी आता है वो है फीटस पैपिरिसियस, जिसे हम फीटस कंप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ स्टेट विच अकर इफ वन ऑफ द फीटस डाई अर्ली एंड द डेड फीटस इज फ्लैटेंड मोमीफाइड एंड कंप्रेस बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ लाइनिंग फीटस एंड द यूटराइन वॉल, मोर कॉमन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कहने का मतलब है यह तब होता है जब एक फीटस का जो डेथ है वो अर्ली स्टेज में ही हो जाता है, ठीक है, जिससे कि जो लाइव फीटस है और यूटराइन वॉल या जो यूटराइन वॉल की जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो डेड फीटस रहता है वो फ्लैटेंड हो जाता है, मम्मीफाइड हो जाता है एंड कंप्रेस हो जाता है। इसे ही हम फीटल पैपिरिसियस या फीटल कंप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी आता है वो है फीटस एकार्डिकस। फीटस एकार्डिकस को हम ट्रैप्ड के नाम से भी जानते हैं, जो ट्विंस डिवोर्स एट्रियल परफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, और यह मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखने को मिलता है जिसमें एक ही प्लेसेंटा रहता है और दो शेयर कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक जो ट्विंस जो होता है वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चरली कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, मतलब एक ट्विंस पूरी तरीके से नॉर्मल है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली सारी तरीके से नॉर्मल है, और जो दूसरा ट्विंस रहता है वो एबनॉर्मल रहता है और एक एज अ मास की तरह ट्विंस रहता है, जिसमें अक्सर देखने को मिलता है कि उसका लेग जो है लोअर बॉडी जो होती है वो कम्प्लीटली रहती है, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट होता है जैसे हेड हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अब्सेंट होती है बिकॉज ऑफ द अब्सेंट ऑफ हार्ट कॉल्ड एकार्डिकल ट्विंस। चूँकि इसमें एक में हार्ट ही प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो इसे एक कार्डिकल ट्विंस की भी कहते हैं, और इसे एक और जो होता है ना एक मास की तरह डिस्क्राइब कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें अपर जो बॉडी पार्ट है वो है ही नहीं, हार्ट नहीं है, हेड नहीं है, नीचे की जो लोअर बॉडी पार्ट है लेग या लोअर जो बॉडी पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं, एक मास की तरह दिखाई देता है, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल फीटस होता है वो एबनॉर्मल फीटस के लिए एक पंप की तरह काम करता है, ठीक है। नॉर्मल फीटस को एक पंप ट्विंस कहते हैं, क्योंकि जो एबनॉर्मल ट्विंस है उसके लिए पंप की तरह काम करता है, ठीक है, जो भी ब्लड की सप्लाई वगैरह करना है, क्योंकि जो दूसरा एबनॉर्मल वाला है उसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं है, हार्ट की बीट नहीं है, कोई किसी तरीके का हार्ट का बीट नहीं है, तो ब्लड को पंप नहीं करेगा, तो दूसरा वाला नॉर्मल है वो दूसरे को ब्लड को पंप करता है, ठीक है। मतलब जो पहला दूसरा वाला नॉर्मल वाला है पहले पे ही डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम फीटस एकार्डिकस कहते हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो फीटस है उसमें हार्ट जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये चांसेस जो होता है बेसिकली नो चांसेस टू बी सर्वाइव, इसमें सर्वाइव करने की कोई चांस नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टर्मिनोलॉजी आता है उसे हम कहते हैं वैनिसिंग ट्विंस या ट्विंस रीएब्जॉर्प्शन। एंड अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इज़ अ फीटस इन अ मल्टी जेस्टेशन प्रेगनेंसी दैट डाई इन अ यूट्रस एंड
देन पार्शली और कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब। इसमें बेसिकली होता ही है कि एक फीटस के द्वारा जो दूसरा ट्विंस है, मतलब ये जो फीटस होते हैं, फीटस टिश्यू इज ऑब्जर्व बाई अदर ट्विंस, अदर ट्विंस के द्वारा जो फीटस की जो टिश्यू वगैरह है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है पार्शली और कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये रहा, हमने एक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया मल्टीपल प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जितने भी फीचर्स प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं वो तो दिखाई देंगे ही, साथ में इसकी जो फीचर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, लाइक इंक्रीज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है, लेकिन इसमें इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। मल्टीपल फीटल हॉट साउंड, दो फीटस है तो दो हॉट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल फीटल पार्ट्स पालपेटेड, क्योंकि हमारी जो वुम्ब है, यूट्रस है, उसमें दो फीटस है, तो दो फीटस है उसके दो अपने पार्ट्स होंगे, तो जब हम पालपेट करेंगे तो उसके मल्टीपल पार्ट्स जो होंगे पालपेट होंगे, ठीक है। इनक्रीज क्विकनिंग काउंट, जो क्विकनिंग काउंट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फीटस है, दो फीटस है तो अलग अलग क्विकनिंग उसका होगा, ठीक है। एंड इंक्रीज द फंडल हाइट, जो मदर का फंडल हाइट है, ऑफ कोर्स अगर यूट्रस में दो फीटस हैं तो उसका जो फंडल हाइट होगा वो बड़ा होगा। एंड इसके अलावा इंक्रीज द एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल गर्थ भी बढ़ी रहेगी। इंक्रीज द वेट गेन, मदर वेट गेन ज़्यादा करेंगी। एंड इसके अलावा एडिमा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर है, तो उसका यूट्रस का साइज जब बड़ा होगा तो जो भी उसका प्रेशर है वो हमारे डायफ्राम पे पड़ेगा, जिससे कि मदर को, जो प्रेग्नेंट मदर है, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलता है। तो मेनली ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें एब्डोमिन एग्जामिनेशन करेंगे और उसका फंडल हाइट, एब्डोमिन गर्थ एंड पाल्पेशन करेंगे, तो फीटल पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। इंस्पेक्शन में एब्डोमिन गर्थ बढ़ा हुआ दिखाई देगा। स्कल्टेशन करेंगे तो फीटल हॉट साउंड सुनाई देंगे, जो अलग अलग सुनाई देगा, दो रहेगा तो तीन रहेगा तो तीन अलग अलग, ठीक है। यूएसजी जो होता है इसका रिलायबल मेथड माना जाता है, और जब यूएसजी हम करते हैं तो उसमें टी साइन एंड लैम्डा साइन देखने को मिलता है। जो टी साइन होता है वो मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें थिन इंटर ट्विंस, टू मेम्ब्रेन, मतलब टू लेयर जो होंगी वो दिखाई देंगी। एंड जिसका शेप होगा वो टी शेप का होगा और लेस देन 2 mm का होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है लैम्डा, या इसे ट्विंस पीक साइन कहते हैं, इसमें डाई कोरियन, दो कोरियन और दो एमनियोटिक ट्विंस होगा, जिससे कि जो मेम्ब्रेन बनेगा वो चार लेयर की मेम्ब्रेन बनेगी। डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक के जो दो दो लेयर है वो चार लेयर बनेंगी, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो लैम्डा शेप का होता है, ठीक है, और ये 2 mm से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये रहा डायग्नोसिस इवोल्यूशन, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट जो है, मदर जो है, उनको ट्विंस है, ठीक है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस जो होता है एज अर्ली एज 10 weeks ऑफ द प्रेगनेंसी पे हम कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो मतलब हम अलग अलग डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि फंडल हाइट बढ़ा हुआ है, एब्डोमिन गर्थ बढ़ा हुआ है, सब कुछ अगर बढ़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं हाइड्रोमिनास, पॉलीहाइड्रोमिनास है, बिग बेबी, मतलब बेबी जो है वो बिग है, एंड ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, एंड असाइटिस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साथ असाइटिस भी है, तो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मदर और फीटस में होंगे उसके बारे में। तो मदर में अगर हम बात करें तो नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एनीमिया, हीमोडायलेशन होता है तो इसमें जो एनीमिया ज़्यादा होंगे, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया के चांसेस होंगे, हैंड्रोमिनास, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, और APS, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, और माल प्रेजेंटेशन, बेसिकली इसमें माल प्रेजेंटेशन होता है, वर्टेक्स या ब्रीज प्रेजेंटेशन, मतलब ये जो प्रेजेंटेशन रहेगी ये माल प्रेजेंटेशन रहता है। प्री टर्म लेबर हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल डिस्ट्रेस, मतलब जो फीटस है वो डिस्ट्रेस में जा सकती है, मैकेनिकल मतलब हम बाहर से
जो होता है वेंटर्स का यूज कर रहे हैं, फोर्सेप्स का यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स दे रहे हैं, उससे वो डिस्ट्रेस में जा सकते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर, जो लेबर होगा वो प्रोलॉन्ग जा सकता है। ऑपरेटिव इंटरफेरेंसेस, मतलब इसमें ऑपरेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और APS भी हो सकता है, APS के साथ PPS भी हो सकता है, पोस्ट पार्टम हैमरेज। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो होगी वो मदर में दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है। प्री टर्म बॉर्ड्स हो सकता है, वैनिसिंग ट्विन्स जिसे हमने टर्मिनोलॉजी में डिस्कशन किया है, लो बर्थ वेट बेबी, जो बेबी होगा वो लो बर्थ वेट का होगा, एंड इंट्रायूटराइन डेथ ऑफ वन फीटस, एक फीटस का इंट्रायूटराइन लाइफ में ही डेथ हो सकती है। नेक्स्ट ट्विन्स ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर ले, एक्चुअली इसे ट्रिपल टी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें जो ब्लड का सप्लाई होता है, ब्लड का फ्लो होता है, अनइक्वल अमाउंट में होता है, फीटस को किसी को ज़्यादा जाता है, किसी को कम जाता है, ठीक है। इसे ट्विन्स सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एंड इसके अलावा कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। मतलब एक फीटस से दूसरे फीटस का कह सकते हैं कॉर्ड कंप्रेस हो जाए, मतलब इस कॉर्ड कंप्रेस होने की कॉम्प्लिकेशन जो होंगी वो हो सकती है। अगर हम मल्टीपल प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द ट्विन्स प्रेगनेंसी इज मेक एन अर्ली डायग्नोसिस। अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो इसका जो सक्सेसफुल रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, सक्सेस की रेट जो होगी ज़्यादा होगी, ठीक। इसमें कुछ हम एडवाइस भी कर सकते हैं, मदर को एडवाइस करेंगे कि अब 350 किलो कैलोरी पर डे आपको लेना है डाइट में, ठीक है। और इंक्रीज द रेस्ट, उनको बोलेंगे आप रेस्ट, उनको रेस्ट अलाउ करेंगे ज़्यादा ज़्यादा, आप घर पे रेस्ट करिए। सप्लीमेंट में ऐड कर देंगे आयरन थेरेपी, लाइक 100 से 200 mg पर डे देंगे आयरन, विटामिन, कैल्शियम, फोलिक एसिड उसको हम देंगे, ठीक है। इसके अलावा मदर को हॉस्पिटलाइज करेंगे तो रूटीन में हम क्या करेंगे, इम्प्रूव द जो मदर है उसको यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको प्रॉपर पोजिशनिंग देंगे, एंड इंक्रीज द बर्थ वेट ऑफ द बेबी, बेबी के बर्थ वेट को इंक्रीज करेंगे, एंड डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री एक्लेम्सिया के जो चांसेस है उसको कम करेंगे, एंड प्रिवेंट द प्री टर्म बेबी, प्री टर्म जो डिलीवरी है उसको कम करना है। एंड इसके अलावा अगर प्री टर्म डिलीवरी हो भी जाती है तो रूटीनली प्री टर्म डिलीवरी को रोकने के लिए टोकोलाइटिक एजेंट का यूज़ करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा फीटस के लंग्स की मैच्योरिटी के लिए बीटा मेथासोन या डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मल्टीपल प्रेगनेंसी। आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बेनिफिट मिला हो। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप अचीविंग।